नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिश्नोई स्थित नहटौर की, जहां से हमारे संवाददाता ऋषभ जैन से मिली जानकारी के अनुसार नहटौर में अमरोहा जिले की जोया की एक शादीशुदा युवती को जबरन 50,000 रुपए में बेचने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार जिला अमरोहा के जोया से एक 24 वर्षीय शादीशुदा युवती 3 दिन पहले लापता हो गई थी। परिजनों ने काफी तलाश किया, लेकिन युवती का कहीं पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि युवती को करतपुर थाना क्षेत्र के गांव नंगला में लाया गया था। 3 दिन से लापता युवती को परिजन भी तलाश कर रहे थे। किसी तरह युवती ने अपने बुआ से संपर्क किया। युवती ने बताया कि उसे जबरन गाड़ी में डालकर लाया गया है। उसने बताया कि उसे संभल निवासी सुनील ने 50,000 में गांव नंगला निवासी जगवीर को बेच दिया है। ये लोग जबरन विपिन नामक युवक से शादी कराना चाह रहे हैं, उसे यहाँ से आकर ले जाएं। जिसके बाद उसके पिता लोकेश ने युवती को लाने वाले लोगों से फोन पर बात की, जिन्होंने 50,000 रुपए देने के बाद ही युवती को लौटाने के लिए कहते हुए नहटौर रोडवे बस स्टैंड पर बुला लिया, जहाँ घंटों तक हंगामा होता रहा। सूचना पर SI विक्रांत यादव मौके पर पहुंचे और आरोपी पक्ष के लोगों को थाने ले गए। उन्होंने बताया कि संभल निवासी सुनील ने युवती को देने की एवज में उनसे 50,000 रुपए लिए हैं। पुलिस के कहने पर आरोपी पक्ष युवती को थाने लाया। पूछताछ में बताया कि उसे 2 महिला और 3 लोग गाड़ी में जबरन लेकर आए थे। युवती के पिता लोकेश ने पुलिस को तहरीर सौंप दी है। पुलिस ने युवती को उसके परिजनों को भी सौंप दिया है। और इसी के साथ जुड़ रहे हैं बंधन समाचार के साथ।